प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 151वीं बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने उपस्थित मंडल सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे विशेष कार्यों पर विस्तार से चर्चा कर आ रही समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव विजय एन ने पीपीटी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मंडल की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की। मंडल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान शिखर अग्रवाल ने उपस्थित सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि आगामी दिनों में मंडल की बैठक त्रैमासिक आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे मंडल की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से जारी रहे। बैठक में सदस्य सचिव विजय एन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग की सचिव ख्याति माथुर, मंडल के सदस्य सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी संकटा प्रसाद सहित सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य और मंडल के अधिकारी मौजूद। इस दौरान बैठक में मौजूद सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना भी की और अपने क्षेत्रों की समस्याओं पर भी चर्चा की। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव बजट घोषणाओं और राजस्थान मिशन 2030 के कार्यों की प्रगति के संबंध में विभाग मुख्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विजन 2030 दस्तावेज में प्रदेश का प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत मुख्यालय से सीधा और न्यूनतम दूरी से जोड़ने के लिए सुझाव भेजा जाएगा। इसे प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को ग्राम पंचायत मुख्यालय आने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। प्रमुख सचिव वैभव गालियारे ने कहा कि विभाग ने बजट 2023-24 के करीब 94% कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। संबंधित अधिकारी शेष कार्यों को भी जल्द ही मौके पर प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विजन 2030 के तहत हितधारकों से प्राप्त सुझावों को विभागीय दस्तावेज बनाकर आयोजना और मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाया जाए। दस्तावेज राज्य की 2030 तक की भावी आवश्यकताओं और प्रदेश को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर, संबंधित विभागीय और आरएसआरडीसी के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिशासी स्तर तक के अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।